क्या नाम है? मुस्कान। पापा के क्या नाम है? मुस्कान अली। मुस्लिम हो? हाँ। हिंदू से शादी कैसे कर रहे हो? प्यार के लिए। हिंदू धर्म सेना ने निर्णय लिया है कि हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको नकद 11 इनाम, हमने 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगाकर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। नाज़रीन, बड़े ही दुख और अफसोस की बात है कि कुछ बरसों से मुख्तलिफ अखबारात और वीडियोस के ज़रिए से ये खबरें आ रही हैं कि हमारे बाज़ मुस्लिम वालिदैन की गफलत और दीन से दूरी की वजह से इनकी बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दामे इश्क की बीमारी में मुब्तला होकर शादी करके अपना घर जहन्नम में बना रही हैं। इसके बावजूद वालिदैन को इस बात का एहसास नहीं कि उनकी औलाद आखिरत के ख़तरनाक और अबदी अजाब अपने लिए लाजिम कर रही हैं। नाज़रीन, आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे मुस्लिम लड़कियां ईमान जैसी कीमती दौलत को ठुकरा कर ईमान बेचकर जहन्नम खरीद रही हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपनी बेटियों के ईमान को बचाओ। ऐसी आज़ादी किस काम की कि जिसकी वजह से ईमान से हाथ धो बैठे? ऐसे आज़ाद कल्चर के लोगों के साथ दोस्ती की आज़ादी क्यों? अभी भी वक्त है, अपनी बेटियों का ईमान बचा लो। आगे वीडियो देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। हमारी गैरतमंद बहनें इस बात का तसव्वुर कर सकती हैं कि जिस शख्स से निकाह करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है, उससे शादी रचाई जाए और फिर जन्नत की उम्मीद भी रखी जाए, क्या इससे बढ़कर कोई ख़राब बात हो सकती है कि किसी को एक लहलहाते बाग और नहायत आरामदा जगह से निकालकर उसे दहकती हुई आग में डाल दिया जाए? लिहाजा अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की खुद को जहन्नम की आग से बचाना चाहे तो शरी अहकामात पर अमल आवरी ही उनके लिए निजात का वाहिद रास्ता है। किसी गैर मुस्लिम मुशरिक से निकाह के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 221, मुशरिक मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को मत दो जब तक कि वो ईमान न लाएं, और फरमाया सूरतुल मुमतहिना आयत नंबर 10, और मुशरिक मर्दों और गैर मुस्लिम मर्दों के लिए ये मोमिना औरतें हलाल नहीं और गैर मुस्लिम मर्द मुसलमान औरतों के लिए हलाल नहीं। इन दो आयात की रोशनी में कोई भी मुस्लिम लड़का या लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़का या लड़की से निकाह नहीं कर सकते, लेकिन एक सूरत अल्लाह ताला ने रखी है और वो है ईमान। अगर वो ईमान वाले हो जाएं तो उनसे शादी की जा सकती है, वो भी मजबूत ईमान वाले, सिर्फ शादी के लिए ईमान लाए, ऐसा नहीं। नाज़रीन, आइए वीडियो देखते हैं, इस पर गौर करें और इस पर आप सब गौर करें और अपनी बेटियों का ईमान बचाएं। क्या नाम है? मुस्कान। पापा के क्या नाम है? मुस्कान अली। मुस्लिम हो? हाँ। हिंदू से शादी कैसे कर रहे हो? प्यार के लिए। कितना दिन से प्यार करते हो? 7 साल। हाँ, 7 साल। जानते हो? हाँ। लड़का कमा के खिलाएगा तुमको? और? हाँ? हाँ। तो मुस्लिम से हिंदू बनना पड़ेगा? हाँ। बन जाओगे? हाँ। हाँ? हाँ। तुम्हारा मम्मी पापा ये सब जाके थाना में केस करेगा, तब क्या करोगे? तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। पति का क्या नाम है? दीपू। दीपू के साथ दोगे? हाँ। मम्मी पापा के साथ नहीं दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए राजी नहीं, इसलिए। तो साथ ही साथ दीपू को दोगे? हाँ। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। हाँ? हाँ। तो हिंदू में परिवर्तन करना पड़ेगा? हाँ। करोगे? हाँ। शुद्धिकरण कराना पड़ेगा? हाँ। कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर? हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। शादी करोगे? हाँ। हाँ? बाद में धोखा तो नहीं दोगे? नहीं। जबरदस्ती तो नहीं लाया? नहीं। कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं है? नहीं। शादी करा दे? हाँ। क्या नाम है तेरा? हाँ, साहिल नाम है तेरा। अटक क्या देरी? अटक क्या देरी? उस्मानी अटके देरी? ये अटके देरी? तेरा क्या नाम? मेरा भाई है। ये भाई है। क्या नाम आपका? आदे आपकी यार। क्या नाम आपका? सानिया उस्मानी, साहिल उस्मानी। ये साहिल उस्मानी देखो, ये साहिल उस्मानी।
अरे ये हमारा दोस्त है, हम लोग गए थे भाई, ये दोस्त हो गए, कोई बात नहीं। अड़िया ये साहिल है, साहिल उस्मानी है, ये साहिल उस्मानी है और ये सानिया, ये सानिया भाई है, तो भाई बहन है दोनों। अच्छे के लिए कहते हैं ये हमारी बहनों को, अच्छे के लिए कहते हैं, हम इनके दुश्मन है। ये है, हाँ चलो ये हिंदू मान लिया, अरे मान लिया ना आपने, हैं हर बात एक जैसी नहीं होती। अब मैं आपको ऐसा बोलूँ तो आपको बुरा लगेगा ना कि वैसे मैं जोड़ रहे हो आप, नहीं ये हमें, हम लोग कितने साल से दोस्त है, तो ऐसे गलत समझ लेने का, दोस्त है दोस्त, गले मिल के जाते हैं, दोस्त है कभी भाई बन जाता है। अपने इस्लाम में ना कजन भाई से भी है ना खिल के बात नहीं कर सकते, साथ में जाओ, आप हमारी माँ बहन को ऑप्शन कर रहे हो और पेश कर रहे हो इस तरीके से, कहाँ का राइट है आपके लिए? ये हमारे तुम्हारे भाई है ना, डरने की क्या बात है भाई, ये तो डरने की क्या बात है, सबका अपना पर्सनल मैटर होता है। तो पप्पा से फोन लगाओ, बात कराओ, तो हमारी बात जाएगी, ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये पर्सनल, ये बुरका पर्सनल मैटर नहीं है, ये इस्लामी का। ये बुरका इसीलिए पहने तुमने, क्या बोल रहे, बुरका क्यों बना है? बुरका तो पहने, ये सब करने के लिए मतलब क्या चाहता है कि ये सब तुम लोग करे, तुम जाओ, तुम जाओ नहीं, बुरका इसीलिए पहने तुम बुरका इसीलिए बनाया है, वो बता, बुरका इसीलिए बनाया है, हाँ ये सब करवाने के लिए। क्या नाम है? अफसर नाम। हाँ क्या होगा, क्या नाम, क्या हुआ, क्या नाम है, बोलना बोलना, अफसर नाम, मुसलमान है ना, हमारी है, देखो यहाँ खड़े के लड़की बुरका पहन गया, तो उसको यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहे हैं, ये पहले से ये जानवरों वाली हरकत करने की जगह है क्या, वो बता। अबे ऐसी मुसलमान लोगों को लोग टारगेट कर रहे, तो बेशर्मी वाली हरकत कर रहा, तेरे को जरा भी समझ में आ रहा क्या कर रहा, तो सुना रहा सुना, तू कर रही सबके सामने, एक मिनट मेरा भाई देख, मैं बुरके तक बर्दाश्त नहीं करूंगा, पर्सनल मैटर रहता ना, घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन भाई वो मेरे दीन मेरे इस्लाम का लिबास है, एक मिनट इस्लाम की बात है, एक मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? तू मत पूछो, उन्होंने ही कर रहे थे, क्या नाम क्या है तुम्हारा, बोलो ना नाम, बोलो तुम्हारा, तुम्हारे अम्मी अब्बा को मालूम यहाँ ये कर रहे तुम, तो बुरका मालूम किसकी सुन्नत है, बुरका मालूम किसकी सुन्नत है, जिनकी पूरी जिंदगी में एक बाल नहीं किसी के घर में हमने देखा, ये बुरका उनकी सुन्नत है, बहन के यहाँ पे ये चुम्मा चाटी कर रहे, क्या दिखाना सारे दुनिया को, तो मुसलमान लोग ये सब करने के लिए पैदा हुए, मुसलमानों का ये काम है? अरे एक टाइम था कर्नाटक में, वो बहन है अल्लाह उनको सलामत रखे, उन लोग बुरके के लिए आवाज़ उठेगी, हमारा हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, आज तुम्हारी यही हरकत होगी तो मुसलमान बर्बाद हो रहा, इन्हीं हरकत होगी तो मुसलमान हर तरफ से पीछे हो रहा, क्या समझ रहे तुम लोग, इस्लाम को क्या हल्के में ले लिए, दीन का मजाक है, ये बुरका है ना, एक मिनट, इसी के अब्बा की जागीर नहीं है, ये इस्लाम का दिया वाली बात है, अगर इसका अदब और एहतराम कर सकते हो तो पहनो, कोई गरज नहीं है तुम्हारी पहनने की, सही बात है, कोई गरज नहीं है पहनने की, मेरी बात सुन, बनता है ये सब मेरे को मत बता, देख क्या बोल रहा हूँ, दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए, समझा, और तो मैं बोल रहा हूँ ना, आगे बोला तो बुरा लगा, तू ऑन द स्पॉट पब्लिक पैलेस में तूने वो हरकत करा, तो मैंने पब्लिक पैलेस में ही बोला, चार लोग अगर देख रहे ना तो सबको समझ में आना चाहिए, बुरका क्या चीज है, लेने दो की बात नहीं है, इस्लाम दलत कोई आएगा अपने को बर्दाश्त नहीं है, अपने लोग ही बर्बाद, अपने लोग ही बर्बाद कर रहे ना, फिर दिन का नाम अपने लोग ही खराब कर रहे ना, बुरके का नाम कौन खराब किया, अपने लोग ही खराब किए ना, दुश्मनों की जरूरत है अपने को, तुम लोग बुरका पहन के ये चीजें कर रहे हो, चलो नॉर्मली खड़े बात करे मतला नहीं समझ में आता है, चुम्मा छाटी कर रहे, बेशर्मी की हद होती है, क्या बुरका इसलिए पहना है क्या, मुसलमान यही काम के लिए पैदा हुआ क्या, ये काम है मुसलमानों का, तुम लोगों को देख के ना लोगों की इमेज लोगों के जहन में ना गंदा आता है कि बोले मुसलमान यही औरतें करती है, मुसलमान औरतें यही करती है, चढ़ानागर में जाते हराम को रंडी थाली लोग और लोग बुरका पहन के जाते, लोग क्या सोचते रहेंगे, अरे नॉन मुस्लिम है ना जो इस्लाम को नहीं जानते, उन लोग इस्लाम पढ़ने नहीं आएंगे, तुम्हारे घर में किताब पढ़ने नहीं आएंगे, उन लोग तुम्हारे किरदार को देख के तुम्हारे को समझेंगे, तुम्हारे मजहब का अंदाजा तुम्हारे किरदार से लगाएंगे, उन लोग क्या समझ रहे, दिन को हल्के भी नहीं है, कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी करके क्यों करके जा रहा है, इसी तरह तो पीछे हो ना, तुम्हारे घर पे फोन लगाओ, घर पे तुम लगाओ, तुम्हारे घर पे
फोन लगाओ ना तुम्हारे घर पे। अरे मेरा भाई देख, समझ रहा हूँ भाई तुम्हारी बात, समझ रहा हूँ, समझ रहे अभी हम समझा दिए भाई, अब समझ गए ना। बोलो ना, तू चल नहीं भाई, देख मैं ना अभी मैं सुन, मेरी बात सुन, बोलना बोलना मेरा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मौत से डरता ही नहीं मैं, मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत से डरता ही नहीं मैं। प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मेरे को कुछ डाउट लगा था, मुझे की बदनामी नहीं करना, मेरे को तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई मतलब नहीं है, कोई ना मेरे को तुम्हारी, मेरे को तुम्हारी एक मिनट एक्सेप्ट क्या है, पब्लिक में क्या कर रहा था कुछ भी क्या कर रहा, बुर्का पहन के करेगा। एक भाई अकल मेरे साथ मत, अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग मुसलमान है तो तुम लोग दीन की नॉलेज है, इस्लाम बेहयाई से बचने की बात करता है, एक बार खुलेआम बेहयाई कर रहे हो। एक बात बता दूंगा, बोलना, हफ्ते में महीने में एक बार टाइम मिलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे जान समझाए, तू टाइम मिलता ना खड़ के बात कर, कोई मसला नहीं। अरे भाई तुम लोग कर रहे ना, तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग का कुछ नहीं जा रहा, जो लोग आते आते लोग देख रहे ना, लोग गलत थिंकिंग कर रहे, मुसलमान लोग ये करते बोले, सबकी क्या लग रहा है, तो तुम लोग करके दिखा रहे, फिर तुम लोग प्रैक्टिकली करके दिखा रहे, समझा ना, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे।